एक समय भगवान इच्छानंगल के वन में विहार कर रहे थे और वह इच्छानंगल ब्राह्मणों का इलाका था। वहां कई महाधनी ब्राह्मण रहते थे, जैसे चंकी ब्राह्मण, तारुक्ष ब्राह्मण, पौष्कर साती ब्राह्मण, जानुसोणी ब्राह्मण, तोद्देई ब्राह्मण, उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध और महाधनी ब्राह्मण थे। बुद्ध इच्छानंगल में विहार करने लगे। तभी वहां दो छात्रों के बीच में बहस शुरू हो गई। एक वशिष्ठ ब्राह्मण है, एक भारद्वाज ब्राह्मण है। दोनों में बहस हो गई कि कौन ब्राह्मण होता है। तो मानव भारद्वाज कहते हैं कि जब मनुष्य अपने माता पिता के परिवार से और पिता के परिवार से सुजात होता है और दोनों की ओर से सात पीढ़ियों से विशुद्ध वंश वाला होता है और जिसके जन्म के संबंध में कोई भी विवाद नहीं होता, वही ब्राह्मण होता है, यह मानव भारद्वाज ने कहा। दूसरा मानव वशिष्ठ छात्र है, उसने कहा कि जब मनुष्य सीलवान हो और कर्तव्यों का पालन करने वाला हो तो वही ब्राह्मण होता है। इसी बात पर दोनों की बहस हो गई। मानव भारद्वाज कहता है कि सात पीढ़ियों से कोई विशुद्ध वंश वाला हो और जिसके संबंध में कोई भी विवाद नहीं हो तो वही ब्राह्मण होता है जो माता और पिता के परिवार से सुजात हो। लेकिन वशिष्ठ यह मानने को तैयार नहीं। वशिष्ठ कहता है कि जब मनुष्य सीलवान और कर्तव्यों का पालन करने वाला हो तभी वह ब्राह्मण होता है। अब दोनों एक दूसरे को समझा न सके। तब मानव वशिष्ठ और मानव भारद्वाज ने कहा कि ऐसा करते हैं, यहां इच्छानंगल में श्रमण गौतम विहार कर रहे हैं और गौतम की कीर्ति ऐसी है कि उन्हें भगवान अरिहंत सम्यक संबुद्ध विद्या तथा आचरण से संपन्न सुगत लोकविद मनुष्य एवं देवताओं को ज्ञान प्रकाशित करने वाला शास्ता भगवान बुद्ध कहते हैं, तो हमें उनके पास चलना चाहिए, वह नजदीक में ही है और वही हमारी शंका का समाधान कर सकते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वह दोनों ब्राह्मणों के पुत्र भगवान गौतम के पास, भगवान बुद्ध के पास इच्छानंगल वन में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भगवान, हम उस स्थान से आए हैं जहां ब्राह्मण रहते हैं और हम दोनों में एक विवाद हो गया है और वो विवाद यह है कि यह कहते हैं कि ब्राह्मण वह होता है जो सात जन्मों से विशुद्ध वंश वाला होता है माता और पिता दोनों की तरफ से और जिसके जन्म के संबंध में कोई विवाद नहीं है। और मानव वशिष्ठ ने कहा कि मैं कहता हूं कि मनुष्य सीलवान और कर्तव्यों का पालन करने वाला हो तभी वह ब्राह्मण होता है। अब आप ही हमारी शंका का समाधान करें। दोनों भगवान बुद्ध के सामने बैठ गए। तब भगवान ने उनको संबोधित किया। हम तीन वेदों के सर्वमान्य और सर्वविख्यात ज्ञाता हैं, यह मानव वशिष्ठ ने कहा कि मैं पौष्कर साती का छात्र हूं और यह मानव तारुक्ष के छात्र हैं। हम तीनों वेदों के ज्ञाताओं में केवली हैं, यानी अकेले हैं, तीनों वेदों को जानने वाले अकेले हैं और हम पद व्याकरण और वाद में अपने आचार्य के समान हैं। तो हे गौतम, हम दोनों
में जातिवाद के विषय में एक विवाद हुआ है कि भारद्वाज कहते हैं कि ब्राह्मण जाति से होता है यानी जन्म से होता है, और मैं कहता हूं कि ब्राह्मण कर्म से होता है। अब आप हमें बताएं, हम एक दूसरे को समझाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम संबुद्ध के पास पूछने आए हैं। भगवान ने कहा, हे वशिष्ठ, मैं तुम्हें क्रमशः प्राणियों के जाति भेद के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्राणियों की भी विभिन्न जातियां हैं। तुम जानते हो तृण या वृक्ष भिन्न लक्षण के होते हुए भी यह प्रदर्शित नहीं करते कि वे भिन्न जाति के हैं और उनकी विभिन्न जातियां हैं, जबकि वृक्षों में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं। क्या तुम जानते हो कि कीट पतंग विभिन्न चींटियों के भी कई लक्षण हैं, कई प्रकार हैं, कई जातियां हैं, मगर वो प्रदर्शित नहीं करते? क्या तुम जानते हो कि छोटे और बड़े चार पैरों वाले जानवर भी विभिन्न लक्षण और विभिन्न जातियों के हैं, मगर वह भी प्रदर्शित नहीं करते कि वे विभिन्न जाति के हैं और विभिन्न लक्षणों वाले हैं? क्या तुम जानते हो कि लंबी पीठ वाले यानी सर्प जैसे कई प्रकार के प्राणी हैं और उनकी भी विभिन्न जातियां हैं, मगर वो प्रदर्शित नहीं करते? और क्या तुम जानते हो कि पानी में मछलियों की कितनी श्रेणियां हैं, उनके कितनी जातियां हैं, उनके कितने लक्षण हैं, लेकिन वह भी प्रदर्शित नहीं करते? और क्या तुम जानते हो कि आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बारे में कि उनकी कितने लक्षण हैं और उनकी कितनी विविध जातियां हैं, लेकिन फिर भी वह प्रदर्शित नहीं करते? जैसे इन प्राणियों की जातियों के अनेक लक्षण हैं, वैसे मनुष्य जाति के अनेक लक्षण नहीं हैं। जैसे इन प्राणियों की जातियों के अनेक लक्षण हैं, वैसे मनुष्य जाति के अनेक लक्षण नहीं हैं। न केशों में, न सिर में, न कान में, न नेत्रों में, न मुख में, न नाक में, न होंठ में और न भौं में, न गर्दन में, न कंधों में, न पेट में, न पीठ में, न नितंबों में, न छाती में, न स्त्रीण अंगों में और न मैथुन में, न हाथों में, न पैर में, न अंगुली में, न नाखून में, न जंघा में, न वर्ण में और न ही स्वर में विभिन्न लक्षण हैं। जिस प्रकार के विभिन्न लक्षण अन्य प्राणियों की जातियों में हैं, वैसे कोई भी लक्षण मनुष्य की अलग अलग होने के नहीं है। अन्य प्राणियों की जातियों में भिन्नता है, परंतु मनुष्य में ऐसा कोई भी भेद नहीं है। मनुष्य में भेद सिर्फ संज्ञा में है। किस तरह से, यह मैं बताता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्यों में जो गोरक्षा से जीवन यापन करता है, हे वशिष्ठ, ऐसे को कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं। जो गोरक्षा से अपना जीवन यापन करता है, गायों को पालता है, दूध बेचता है या दूध निकालता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है, वह कृषक है, ब्राह्मण नहीं। और मनुष्यों में जो शिल्प से जीवन यापन करता है, शिल्पकार है, ऐसे को शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं। और मनुष्यों में जो व्यापार से जीवन यापन करता है, ऐसे को व्यापारी जानो, ब्राह्मण नहीं। यह संज्ञा के भेद हैं, यह मनुष्य में संज्ञा के भेद हैं, लेकिन मनुष्य में अन्य प्राणियों की तरह कोई ऐसी भिन्नता नहीं। मनुष्यों में जो नौकरी से जीवन यापन करता है, जिसको प्रेषण कहते हैं, हे वशिष्ठ, ऐसे को प्रेषक अर्थात नौकर जानो, ब्राह्मण नहीं। और मनुष्यों में जो चोरी से जीवन यापन करता है, ऐसे को चोर जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो धनुर्विद्या से जीवन यापन करता है, हे वशिष्ठ, ऐसे को योद्धा जानो, ब्राह्मण नहीं। और मनुष्यों में जो पुरोहित कर्म से जीवन यापन करता है, हे वशिष्ठ, ऐसे को याचक अर्थात यज्ञ करने वाला जानो, याजक,
न कि ब्राह्मण। और मनुष्यों में जो ग्राम राष्ट्र का उपभोग करता है ऐसे को राजा जानो, ब्राह्मण नहीं। जो किसी गांव का, किसी शहर का, किसी समाज का, किसी देश का सर्वेसर्वा हो ऐसे को राजा जानो, ब्राह्मण नहीं। और मनुष्य को उसके जन्म या किसी विशेष माता की योनि से जन्म लेकर ब्राह्मण मैं नहीं मानता हूं, भगवान बुद्ध ने कहा। मनुष्य भोवादि अर्थात ब्राह्मण कहा जा सकता है और धनी भी कहा जा सकता है, परंतु अपरिग्रही और अनासक्त को ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। ब्राह्मण की परिभाषा बुद्ध ने यहां से शुरू करी कि जो अपरिग्रही है और जो अनासक्त है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूं। और अभी तक बुद्ध ने संज्ञा की वजह से जो भेद हैं उनको बताया कि जो चोरी से जीवन यापन करता है, जो व्यापार से जीवन यापन करता है, जो शिल्प से जीवन यापन करता है, जो धनुर्विद्या से जीवन यापन करता है, जो पुरोहित कर्म से जीवन यापन करता है वो ब्राह्मण नहीं है। यह संज्ञा के भेद है। इससे पहले बुद्ध ने प्राणियों के, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के प्रकारों के से भेद बताए, लेकिन प्राणियों में भेद है, मनुष्य में ऐसा कोई भेद नहीं। मनुष्य में संज्ञा का भेद है, लेकिन संज्ञा के भेद से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अब बुद्ध ने बताया कि ब्राह्मण कौन होता है। तो पहली बात बुद्ध ने कही कि ब्राह्मण मैं उसको कहता हूं जो अपरिग्रही है और अनासक्त है, जिसकी आसक्ति नहीं, और जो अपरिग्रही है, जो बटोरता नहीं है, जो परिग्रह नहीं करता, जो इकट्ठा नहीं करता। दूसरी बात बुद्ध ने कही कि जो मनुष्य सांसारिक बंधनों को काटकर भयभीत नहीं होता और जो अनासक्त है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं। तीसरी बात बुद्ध ने कही कि जिसने द्वेष और तृष्णा रूपी पट्टे को काट दिया है और जो रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग कर बुद्ध हो गया उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। यानी ब्राह्मण बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध हो गया, जिसने रूढ़िवादी धारणाओं को गिरा दिया, जिसने अपनी तृष्णाओं को गिरा दिया, जिसने अपने द्वेष पर काबू कर लिया, वह ब्राह्मण है। चौथी बात बुद्ध ने कही कि ब्राह्मण मैं उसे कहता हूं जो किसी की भर्त्सना नहीं करता, बध नहीं करता, बंधनों से मुक्त है, बंधनों को सहन नहीं करता, जो क्षमा की सेना का सेनापति है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसके अंदर क्षमा याच, जो क्षमा करता है, जिसके अंदर क्षमा करने की ताकत है। और आगे बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण वह होता है जो अक्रोधी होता है, जिसके अंदर क्रोध नहीं, जो सदाचारी है, शीलवान है, संयमी है और अंतिम देहधारी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अंतिम देहधारी कौन होता है? अंतिम देहधारी का अर्थ है जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, जो अब देह में जन्म नहीं लेगा, जो महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होगा, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, वह अंतिम देहधारी है, जिसकी यह देह अंतिम है, जिसने इसके बाद देह नहीं लेनी, जो इस भवलोक से, भवसागर से मुक्त हो गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं, बुद्ध कहते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं कि कमल पत्र के ओस बिंदु की तरह, यानी कमल के फूल में जिस तरह से ओस की बूंद गिरी हुई होती है और जिस तरह से सुई की नोक पर सरसों के दाने को कितनी देर तक रख सकते हैं, कमल के फूल के कमल की पंखुड़ी में कोई ओस की बूंद पड़ी हो सुबह सुबह की, या कोई सुई की नोक जिस पर सरसों के दाने को रखने की हम कोशिश करें तो कितनी देर तक रखेंगे। इसी तरह से कामनाओं से अनासक्त होता है ब्राह्मण,
ब्राह्मण वह होता है जिसकी समस्त कामनाएं इसी तरह से खत्म हो चुकी होती हैं, जिसकी वासनाएं और कामनाएं कमल के पत्ते में गिरी भी ओस की बूंद की तरह गिरती है और खत्म हो जाती है। सरसों के दाने को सुई की नोक में पड़ भी नहीं पाती कि गिर जाती है। इसी तरह से जो ब्राह्मण होता है उसकी कामनाओं का इसी तरह से वह कामनाओं से रहित होता है, अनासक्त होता है, वहां कुछ आसक्त नहीं होता, वहां कुछ टिक नहीं सकता। जिस तरह से सुई की नोक पर सरसों का दाना नहीं टिक सकता, उसी तरह से ब्राह्मण के अंदर कोई कामना टिक नहीं सकती। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में अपने दुखों का अंत करना जानता है और जिसने सांसारिक ज्ञान के भार को अलग कर दिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। सांसारिक ज्ञान के भार को जिसने अलग कर दिया, जो सांसारिक पीड़ा और सांसारिक दुख को अपने कंधों में ढोकर नहीं चलता, वह ब्राह्मण होता है जिसने संसार के दुखों का अंत कर दिया। और ब्राह्मण कौन होता है? बुद्ध कहते हैं जो गंभीर प्रज्ञा वाला होता है, मेधावी होता है, सन्मार्ग और कुमार्ग को जानता है। उसे पता है कि कौन सा रास्ता सत्य की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता कुमार्ग की तरफ असत्य की तरफ जाता है, और वह हमेशा ही सत्य गामी होता है, सत्य की तरफ चलने वाला होता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और बुद्ध कहते हैं कि वह मनुष्य जो न तो गृहस्थ और न ग्रहहीन लोगों के संसर्ग में रहता है, जो ग्रहहीन होकर विचरण करता है और जिसकी आवश्यकताएं बहुत कम है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बुद्ध की परिभाषा ब्राह्मण की वह परिभाषा है जो स्वयं एक तथागत की होने की परिभाषा है, तथाता के होने की परिभाषा है, एक सम्यक संबुद्ध की होने की परिभाषा है। यानी कि ब्राह्मण वह जो भगवान है, ब्राह्मण वह जो सर्वोच्च है, यह परिभाषा बुद्ध ने दी है। तो बुद्ध की नजरों में ब्राह्मण कोई जाति से नहीं और कोई संज्ञा से नहीं, बुद्ध की नजरों में ब्राह्मण कोई दिखावे से नहीं, बुद्ध की नजरों में ब्राह्मण कोई पुरोहित का कार्य करने वाला या यज्ञ करने वाला नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य चर और अचर प्राणियों के प्रति अहिंसक हो, न तो उनका नाश करता हो और न ही ऐसी किसी हिंसा का कारण बनता हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बुद्ध की परिभाषा ब्राह्मण की बिल्कुल ही अलग है। जो मनुष्य कभी कोई हिंसा नहीं करता किसी भी प्राणी के प्रति, वह ब्राह्मण होता है। आगे बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य विरोधियों के बीच में भी विरोध रहित रहता है, उग्र लोगों के बीच में भी शांत और स्थिर रहता है, जो परिग्रहियों के बीच में भी अपरिग्रही रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और जिस तरह सुई की नोक पर सरसों का दाना नहीं ठहर सकता, उसी तरह जिसके राग द्वेष मान दंभ सब नष्ट हो गए, सब गिर गए हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। वह मनुष्य जो मधुर ज्ञानवर्धक और सत्य वाणी का उच्चारण करता है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता अपनी वाणी के माध्यम से, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और बुद्ध आगे कहते हैं कि जो मनुष्य छोटी या बड़ी अणु या स्थूल अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो किसी भी तरह की अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, जो संसार में किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति जिसकी कोई दौड़ भाग नहीं, इस लोक और परलोक में जिसकी कोई तृष्णा शेष नहीं रही और जो इच्छाओं से रहित हो गया, अनासक्त हो गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बुद्ध कहते हैं जिसकी कोई तृष्णा शेष नहीं है और जो स्वयं की प्रज्ञा के बल पर संशय रहित हो चुका है, जो अमृतत्व की गहराई को प्राप्त कर चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और ब्राह्मण वह है जो
शोक रहित और शुद्ध है, जिसके पुण्य और पाप दोनों से जो मुक्त हो चुका है, जिसके अंदर कोई पुण्य नहीं बचा, जिसके अंदर कोई पाप नहीं बचा, जो मनुष्य चंद्रमा के समान निर्मल हो चुका है और शुद्ध प्रसन्न चित्त और निष्कलंक है, जिसकी भवतृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और ब्राह्मण वह है जो मोह से ऊपर उठ गया, जिसने इस दुर्गम संसार के मोह को, संसार के दुर्गम मार्ग को लांघ दिया है, जो इस भवसागर से पार चला गया, जो निष्पाप हो गया, जो अपरिग्रही हो गया और जो ध्यानी हो गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसने कामनाओं का परित्याग कर दिया, जिसने ग्रह त्याग कर दिया, जो सन्यासी बन गया। अब वह ग्रह में रह रहा है या नहीं रह रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह ग्रह त्यागी ही है, वह सन्यासी ही है। उसकी ग्रह से कोई आसक्ति नहीं, उसकी घर से कोई आसक्ति नहीं, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो मनुष्य देवी देवताओं के संयोगों बंधनों को छोड़कर उनसे ऊपर उठ गया, ऐसे सभी प्रकार के संयोगों से रहित हो गया, उस व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो राग विराग को छोड़कर शांत स्वभावी हो गया, जिसने समस्त लोगों की संपत्तियों को जीत लिया, जो वीर हो गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसके सारे आश्रव गिर गए, जो अरिहंत हो गया, जो देवता गंधर्व और मनुष्य जिसकी गति को नहीं जानते, देवता गंधर्व और मनुष्य जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, वह अहृत, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसके भूत वर्तमान और भविष्य के सभी परिग्रह गिर गए, जो अकिंचन अपरिग्रही हो गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो पुरुषोत्तम वीर महर्षि वासनाओं को जीतने वाला निष्पाप शुद्ध बुद्ध हो गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और जो अपने पूर्व जन्म स्वर्ग और मोक्ष को देख लेता है, जिसकी जाति के बंधन टूट चुके हैं, और जो मुनि हो गया, प्रज्ञावान हो गया, ऐसे व्यक्ति, ज्ञान संपन्न व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूं। इस संसार में नाम और परिवार के नाम की संज्ञा मात्र शब्द है, जो कि समाज के आसपास के लोगों ने अपनी सहमतियों से दिए हैं। इसका ब्राह्मण होने से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। मनुष्य अज्ञानियों की चिरकाल से यह धारणा है कि अज्ञानी ही यह कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण होता है। यह अज्ञानियों की परिभाषा है, यह अज्ञानियों की धारणा है। लेकिन मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, नहीं, वह जन्म से अब्राह्मण होता है। मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही अब्राह्मण होता है। फिर बुद्ध ने परिभाषा दी कि कर्म से मनुष्य क्या कर्म करता है और कर्म से क्या कहा जाता है, कर्म से उसकी संज्ञा क्या है, कर्म से उसका क्या लेना देना है, इसको बुद्ध ने आगे समझाया। मनुष्य अगर कर्म से कृषक है, वह कर्म से अगर शिल्पी है, वह अगर कर्म से व्यापारी है, और वह अगर कर्म से सेवक है, तो वह कर्म से है, इसका ब्राह्मण होने से कोई संबंध नहीं। मनुष्य कर्म से चोर होता है, मनुष्य कर्म से ही योद्धा होता है, मनुष्य कर्म से ही याजक होता है और कर्म से ही राजा होता है। इस प्रकार पंडित जन यथार्थ में कर्म की उत्पत्ति के नियम को और कर्मों के परिणाम को समझते हैं। कर्म से ही यह संसार चल रहा है, कर्म से ही मनुष्य जाति का अस्तित्व कायम है, और रथ के पहिए की धुरी की भांति प्राणी कर्म से बंधा है। मनुष्य तप, ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम से ब्राह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण कहलाता है। मनुष्य तप, ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम जो अपने उस सत्ता में समा गया, जो उस अपनी उस ऊर्जा में समा गया जो सर्वव्याप्त है, ब्रह्म का जिसको ज्ञान हो गया, जो ब्रह्म में समा गया,
ब्रह्म का आचरण जिसके अंदर आ गया, जो ब्रह्म की चर्या में समा गया, वह ब्राह्मण है, वह आत्मसंयमी है, उसको ब्राह्मण कहते हैं, वही उत्तम ब्राह्मण कहलाता है। यह बुद्ध ने ब्राह्मण के संबंध में कहा। फिर अंत में बुद्ध ने कहा, हे वशिष्ठ, वह मनुष्य जो तीनों विद्याओं से संपन्न है, शांत है और अपने पुनर्जन्म को शीर्ण कर चुका है, उसे तुम ब्रह्म और शाक्य जानो। ब्रह्मा, उसे तुम ब्रह्मा और शाक्य जानो, यह ब्रह्मा की परिभाषा है, यह ब्राह्मण की परिभाषा है। ब्राह्मण इस लोक में और उस परलोक में सर्वोच्च है, ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं, ब्राह्मण की यह परिभाषा है। भगवान के ऐसा कहने के पश्चात, यह उत्तर देने के पश्चात, मानव वशिष्ठ और मानव भारद्वाज ने भगवान से कहा कि भगवान, यह अति सुंदर है, यह अति सुंदर है, यह ऐसा ही है जैसे उल्टी वस्तु को सीधा कर दिया गया हो, ढके हुए को उघाड़ दिया हो, किसी भटके हुए को सही मार्ग दिखला दिया गया हो, या अंधेरे में दीपक जला दिया हो, और जिसके पास नेत्र नहीं है उसको नेत्र दे दिए गए हो, यह इतना ही सुंदर है। हे श्रद्धेय गौतम, गौतम, आपने धर्म की को हमें जिस प्रकार से समझाया है, यह बहुत सुंदर है, यह अति सुंदर है, हमें अपनी शरण में ले लो। हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम भिक्षु संघ की शरण में जाते हैं, हम धम्म की शरण में जाते हैं, और उन दोनों ब्राह्मणों के पुत्रों ने भगवान बुद्ध से उपासक के रूप में स्वीकृति प्रदान करी, वह उपासक बन गए और जीवन पर्यंत फिर भगवान बुद्ध की शरण में रहे। यह ब्राह्मण की परिभाषा, यह ब्राह्मण का अर्थ, यह ब्राह्मण क्या होता है, यह बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने खोल कर बताया कि भगवान, भगवान तुल्य ही ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण वह जो सर्वोच्च होता है। ब्राह्मण पुरोहित नहीं है, ब्राह्मण यज्ञ करने वाला नहीं है, ब्राह्मण कर्म से होता है, और ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट होता है, ब्राह्मण बुद्ध होता है, अहरत्व और तथाता होता है।